first of all, thank you for making it a special day. So thank you for all my viewers, clients and well-wishers. तो हमारे लिए तो एवरी डे इज़ अ वर्किंग डे एंड जैसे कि सबको पता है कि डॉक्टर्स वी वर्क थ्रू आउट द डे. सम डॉक्टर्स दे वर्क 24 आवर्स, मतलब वो भी कम पड़ जाता है. सो जर्नी के बारे में इफ आई से आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज द जर्नी टचवुड हैज़ बीन challenging yet fulfilling. And as we say, as a doctor, what we usually look forward to is maintaining and valuing the trust that our patients, our clients keep in us. And we love to heal them not just with the medicines but with our words also. So today on International Doctors Day, I want to wish everyone that we should have a healthy and a very happy life. जैसे कि मानसून चल रहा है, काफ़ी बारिश भी हो रही है मुंबई में, तो हर कोई मेल हो या फीमेल हो अपने स्किन को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, तो उनके लिए क्या आप टिप्स देंगे, कोई टिप्स अगर आप अच्छे तरह से देना चाहें. वेल, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस क्वेश्चन क्योंकि आपने उसमें मेल एंड फीमेल दोनों को इंक्लूड किया है. स्किन बोथ ऑफ अस, लाइक बोथ मेल फीमेल, वी हैव स्किन एंड हेयर, तो उसका केयर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मानसून, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव द मानसून इन मुंबई. इट्स अ ब्लिसफुल टाइम, एवरीथिंग चेंजेस, बट उसके साथ क्या होता है कि स्किन और हेयर भी चेंज हो जाता है. कि गर्मी के बाद जब यह ट्रांजिशन होता है, ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत हाई जाती है एंड फिर फेस होता है इश्यूज लाइक हेयर फॉल, समटाइम्स ऑयली स्कैल्प होता है, लेकिन हेयर एंड्स बहुत ड्राई एंड फ्रिजी होते हैं, एंड सम पीपल गेट अ लॉट ऑफ क्लॉगिंग ऑफ पोर्स एंड एक्ने. सो इफ आई कुड गिव सम क्विक टिप्स, एक तो आपकी स्किन डेफिनेटली अच्छी से क्लेंस कीजिए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, एंड वाटर इनटेक डेफिनेटली कम नहीं होने देना बिकॉज यूजली मानसून में वी डोंट फील दैट मच थर्स्टी. ऑयली स्कैल्प अगर है लेकिन हेयर एंड्स ड्राई है तो एक अच्छा गुड शैम्पू विद अ गुड कंडीशनर, बट यू हैव टू क्लेंज इट और वॉश योर हेयर अ लिटिल मोर फ्रीक्वेंटली, स्पेशली जब आप बाहर आते हो, लाइक मानसून में यू गेट वेट इन द ड्रिजल और इन द शावर्स. क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैम्पनेस रहता है. क्विक ब्लो ड्राई यू कुड डू इफ इट्स नेसेसरी, अदरवाइज जस्ट इफ यू कुड क्विकली रिंस योर हेयर एंड पुट अ कंडीशनर एंड टॉवल ड्राई, दैट वुड हेल्प. इफ यू हैव डैंड्रफ इशूज, तो नॉट एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्योंकि ड्राई हेयर हो जाता है, तो यू गेट दीज लीव ऑन डैंड्रफ कंट्रोल लोशन जो स्कैल्प पे लगा के यू कुड रिंस इट ऑफ, डू इट वंस और ट्वाइस अ वीक. फॉर द फेस अनक्लॉक करना बहुत ज़रूरी है पोर्स को, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है, क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है, एंड वंस अ वीक इफ यू डोंट हैव एक्ने definitely exfoliate with a good gentle mild scrub once a week, that's more than sufficient. And for male clients I would definitely say the same routine, you need to unclog your pores, and if you have any skin concerns or issues definitely ek expert dermatologist ke paas jaake ek skin care routine definitely aap monsoon ke liye bana lijiye, because jo cheez summer mein apply hoti hai wo kabhi kabhi monsoon mein nahi apply hogi. हम बात करें मैं डर्मा शाइन की, जो काफ़ी यहाँ पे मुंबई में इंडिया में पहली बार ये चीज़ इन्वेंट हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे डर्मा शाइन की बात की, कौन सी ऐसी और टेक्निक्स हैं जो आप इंडिया में पहली बार लेके आना चाहेंगे जो लोगों को उतना ही फायदेमंद करे जैसे डर्मा शाइन ने किया. जी, सो थैंक यू वेरी मच. एंड डर्मा शाइन के बारे में हम जितना कहे उतना कम है. इट्स अ वेरी वेरी यूनिक पर्सनलाइज डिटॉक्स प्रोग्राम है. तो ये जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं, यू गॉट इट वेरी वेरी राइट कि द इंटेंशन इज टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल टू हैव अ हेल्दी ब्यूटिफुल स्किन इन अ वेरी सेफ एंड नेचुरल वे. सो देर आर three technologies in the pipeline. Of course, I can't reveal too much at this stage, but it's something to do with achieving a no makeup look, no filter look, only skin first look. So that's what we are going to work on, and we will keep you updated about it. If you want a nice, dewy, naturally glowing skin, I would definitely go forward and say if you want a Indian glass skin,
a very very flawless look and you don't want to put a makeup and still look the same, then definitely we'll keep you updated in the coming month about what's the next treatment that you should opt for and look forward to. At last, last week, Sawal, koi empty tip ya koi message apart from monsoon aap viewers ko kuch dena chahe? Well, apart from monsoon se zyada, if I could just share one tip is that since monsoon is there and it applies throughout, sunscreen. Just after you cleanse your face, sunscreen, sunscreen and sunscreen has to be important. Jaise aapko pani ki jarurat hai, waise protection ki jarurat hai, to sunscreen has to be the basic routine male or female should follow, because we forget ki jab bhi cloudy day hota hai, बारिश हो रही है तो हमें ऐसा लगता है कि धूप नहीं है तो मैं सनस्क्रीन क्यों लगाऊं. तो डेफिनेटली गाइस यू नीड टू नो कि अगर आपको दिन का उजाला दिखता है दैट मींस धूप है, उसकी यूवी रेज आप तक पहुंच रही है. तो एक लाइट वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है एंड पोर्स अनक्लॉग करना बहुत ज़रूरी है. हेयर हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, तो यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग गुड सीरम और अ गुड कंडीशनर. So eat healthy, stay healthy, keep yourself hydrated, put a sunscreen and take some multivitamin if you feel that you want to boost your skin and body's immunity. So always keep shining with a healthy glowing skin. That's my mantra which I feel everyone should follow. So addressing all the doctors. So here's wishing a happy International Doctors Day to not just my clients and patients, also to all the doctors who are doing a great, great job or service to the community. We need to keep going and we need the support of everyone. Thank you and God bless all of us. Thank you.